Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel e-Shiksha Rajasthan. Let's start. बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? सेकेंड क्लास का सेकेंड चैप्टर का, जो मैंने आधा आपको पहले समझा दिया था और आधा आज हम सीखेंगे। इसमें मैंने आपको कंपैरिजन नंबर समझा दिया था, अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन नंबर में आपको मैंने समझाया था कि जब वन और टू डिजिट्स वाले होते हैं तो जो टू डिजिट वाला होता है वो बड़ा होता है। अगर उनके डिजिट सेम हो, जैसे टू डिजिट या थ्री डिजिट्स के वो सेम हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को देखना है और पता लगाना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। और फिर अगर दोनों के फर्स्ट डिजिट सेम होते हैं तो आपको क्या करना है, सेकंड डिजिट्स को देख के उसका आंसर पता लगाना है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि टिक द लार्जेस्ट नंबर, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है उस पर आपको टिक करना है, एंड एनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। एक लाइन में जो छोटा बड़ा नंबर है उस पर तो करना है आपको टिक, और जो छोटा नंबर है उस पर आपको करना है सर्कल। ठीक है, जैसे इसमें तो आपको करके दिखाया गया है, अब ये वाले रो में आपको देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबके जो फर्स्ट डिजिट है उसको आप देखेंगे कि कौन सी सबसे छोटी है। अब बताइए इनमें सबसे छोटा क्या होगा, हमेशा की तरह टू सबसे पहले आएगा, तो इस पे तो करना है आपको गोल। पर आपने जो लार्जेस्ट नंबर पे टिक करना है वो कैसे करेंगे, जैसे 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, पर इस लाइन में 7 से बड़ा तो कोई डिजिट नहीं है, यानी जो 7 होगा वो होगा बड़ा वाला, यानी आपको लार्जेस्ट नंबर पे टिक करना है। अब आई थर्ड रो की बारी। अब आपको इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं, 8 होगी क्या, नहीं, उससे तो छोटा 7 है, 7 से छोटा क्या है, 3 वाला, यानी 386 पे आपको सर्कल करना है। अब हम देखेंगे कि इसमें बड़ी डिजिट कौन सी है। बड़ी डिजिट के लिए देखेंगे 8, अरे नहीं, 8 से बड़ा तो 9 है, 919, अरे 9 और 9 वाले टू डिजिट्स है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, 19 या 20, बिल्कुल करेक्ट 20। आगे आपकी बात में समझ में, जब दोनों के आगे वाला सेम होगा तो सेकंड डिजिट को देख के हम पता करेंगे कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है। अब हम इस रो में देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी होगी। बिल्कुल सही, 105, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 से बड़ा है 5, पर 5 से बड़ा कुछ है क्या, नहीं, तो इसे करेंगे हम टिक। अब इसमें देखेंगे कौन सी डिजिट सबसे छोटी होगी, बिल्कुल सही 123, और जो बड़ी डिजिट होगी वो कौन सी होगी, 4, नहीं, 4 से बड़ा तो 5 है हमारे पास, पर 5 से बड़ा भी हमारे पास 9 है, इसलिए इसमें देखेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया कि 901 है वो सबसे बड़ी और 214 जो है वो छोटी है, इसलिए इस पे सर्कल किया। 919 जो है बड़ी और 312 है ये है छोटी संख्या, इसी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है राइट, यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं साइन, ये आपको इसमें भरने हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा या बराबर, स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी जो डिजिट है वो बड़ी है और कौन सी डिजिट है वो छोटी है। चलिए देखते हैं, अब 322 है और 344 है, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट डिजिट तो सेम है, कोई बात नहीं, सेकंड डिजिट देखते हैं, ये 2 है और ये 4 है, यानी कि ये बड़ी है, तो ऐसे साइन लगेगा। अब इसमें 912 और 912 है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। अब 214, 215 है, अब इसमें फर्स्ट डिजिट भी सेम है, सेकंड डिजिट भी सेम है, तो थर्ड डिजिट देखेंगे, 4 से बड़ा है 5, तो ऐसे निशान लगेगा। अब 356 है और 516 है, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट डिजिट ही अलग है, 3 छोटा है और 5 बड़ा है। 800 और 822, यानी कि ये भी बड़ा है क्योंकि फर्स्ट डिजिट सेम है और सेकंड में 2 बड़ा है 0 से। इसी तरीके से आपको ये सारा
सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। बस आपको डिजिट्स याद होने चाहिए कि किसके बाद कौन सा डिजिट आता है। जैसे फर्स्ट डिजिट इसका है 8 और इसका है 7, यानी 8 बड़ा है 7 से, 7 और 7। फिर देखेंगे सेकेंड डिजिट 2 बड़ा है 0 से। चलिए देखते हैं, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि 600 छोटा है और 723 बड़ा है। इसी तरीके से आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम बड़े डिजिट से छोटे डिजिट्स की ओर जाते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें, अब जो फर्स्ट रो है इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, ये कैसे पता करेंगे। पहली डिजिट तो सबकी सेम है। अब हम देखेंगे सेकेंड डिजिट, सेकेंड डिजिट में 4, 5, 4, 8, 8 है। तो आपको बताइए कि जो 4, 4 है, पर जो 8, 8 डिजिट्स है ये उससे भी बड़ी है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक है जो फर्स्ट आएगा। फिर हम देखते हैं इनके थर्ड डिजिट, इसमें 8 है और इसमें 0 है, यानी कि जो 288 है ये सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 280। अब आप बताइए कि ये दोनों के 4 है और इसके 5 है, तो पहले आएगा 250। अब इन दोनों को पता करने के लिए इसकी थर्ड डिजिट को हम देखेंगे, इसमें है 1 और इसमें है 7, तो पहले क्या आएगा 247 और फिर आएगा 241। कितना आसान हो गया। सबसे पहले आपको फर्स्ट डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट सेम हो तो सेकेंड डिजिट, और सेकेंड डिजिट भी अगर सेम हो तो आपको थर्ड डिजिट की ओर जाना है। अब इसमें देखिए कि इसमें फर्स्ट डिजिट तो सभी के सेम है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड डिजिट लेंगे, जैसे कि 7 है, 4, 3, 5 और 2। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 8, 78। फिर होगा 8, 78 के बाद क्या आएगा बताइए, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 नहीं आएगा, ये कट हो गया, ये 4 नहीं आएगा, 3 नहीं 5 आएगा, 850। फिर क्या आएगा 846, फिर आएगा 837, फिर आएगा 822। कितना आसान है डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये आपको खुद करना है। फिर आएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर जाना, यानी कि आपको पता करना है कि सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि हम फर्स्ट डिजिट को देख के पता करेंगे कि कौन सा डिजिट छोटा है और कौन सा डिजिट बड़ा है। जैसे कि इसमें लिखा गया है 4, 4, 4, 2, 3, यानी कि ये तीनों तो सबसे बाद में आएंगे, पहले आएगा 2 डिजिट का 298, फिर आएगा 300। अब ये दोनों तो कट हो गए, अब इन सब में फर्स्ट डिजिट सेम है, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे 6, 9 और 8। पहले आएगा 468, फिर आएगा 482, फिर आएगा 498। या देखा आपने, जब आप पहले डिजिट दूसरे डिजिट को देख के करेंगे तो आपके लिए ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी कितना आसान हो जाएगा। अब चलते इसमें देखने के लिए, इसमें 5, 5, 4, 5, 4, यानी कि 5 वाले तो बाद में आएंगे, पहले हम दोनों 4 डिजिट में देखते हैं। इनके सेकेंड डिजिट में देखेंगे 9 और 3, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले 435, फिर लिखेंगे 497। अब ये दोनों तो कट हो गए, अब बचे 5 डिजिट के नंबर। 5 डिजिट के जो सेकेंड नंबर है वो देखेंगे 408, 0 वाला है वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 546, फिर आएगा 587। अब ये देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, ये करना और ये करना, डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। देखिए ये मैंने सारा आपके लिए सॉल्व कर दिया है, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स, यानी कि जो मैंने आपको बताया था वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड वाली प्लेस।
अब आपको पूछा गया है जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जैसे 7 की तो है वंस, 4 की है टेंस, 6 की जो है वो है 100, 2 की है टेंस, 7 की भी है टेंस, अब 6 है वंस की जगह, 3 फिर से आ गया 100 की जगह, ऐसे आपको गिनना है वंस, टेंस और 100। फिर 2 है वो है टेंस की जगह पे, 7 है वो है वंस की जगह पे, 3 है वो है टेंस की जगह पे। इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू वाला चार्ट जो होए वो याद रखना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100 और 1000, इस तरीके का जो चार्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले वंस आएगा, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 आएगा। अब इसमें लिखा गया है कंप्लीट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है कि जो छोटे रूप में लिखा गया है उसको आपको बड़े रूप में लिखना है, बड़े रूप में यानी बड़ा करके लिखना है। 8 जो है वो है वंस की जगह पे, अब बीच वाली जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे है 0, तो आप यहाँ पे 2 0 भी लिख सकते हैं और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया 892, 2 जो है वो है वंस की जगह पे, 90 है 90 की जगह पे और 8 है वो है 100 की जगह पे, 100 की जगह पे है इसलिए 8 की जगह आप क्या लिखोगे, 800। 6 जो है वो है वंस की जगह, 5 है टेंस की जगह, टेंस की जगह है इसलिए आपको 5 के आगे 0 लगाना है तभी वो टेंस की जगह पे आएगा। अब 7 है वो है 100 की जगह, तो आपको लिखना पड़ेगा 700। वैसे ही 8 है वंस, 2 है वो टेंस की जगह पे है, यानी कि वंस की जगह पे 0 और टेंस की जगह पे 2 को रखना है। इसी तरीके से 9 जो है वो भी है टेंस की जगह पे, 3 है वो 100 की जगह पे है इसलिए हम लिखेंगे 300, 9 को लिखेंगे 19, अब यहाँ पे 3 जो है वो है 300, 9 है वो 900। जब आपको ये प्लेस वैल्यू का चार्ट याद होगा तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी जगह है और ये कौन सी जगह है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 3 है वंस, 9 है टेंस और 5 है 100 की जगह पे। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, इसकी जगह हमने लिख दिया 100, है ना। जो लिखा गया है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का जो सबसे छोटा नंबर है वो होता है 100, और राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जो बड़ा नंबर होता है वो होता है 999, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। इन अ शॉप देयर आर 390 बुक्स एंड 300 नोट बुक्स, विच वन इज मोर इन नंबर्स, यानी कि इन दोनों में से कौन सा नंबर है वो बड़ा है। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट डिजिट तो सेम है, सेकेंड डिजिट देख लीजिए, सेकेंड डिजिट में जो 9 है और यहाँ पे 0 है, तो यानी कि जो 9 वाली संख्या है वो है बड़ी, वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर लिखा है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 5, 4, 8। यहाँ पे कहा गया है कि ये 3 डिजिट आपको दिए गए हैं, इससे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनता है वो आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें से पहले कौन सा आएगा, 8, 8 से छोटा क्या है 5 और फिर 4, यानी 854 है ये इसके सबसे बड़ा नंबर है। विच कम्स बिफोर एंड आफ्टर द नंबर 658, यानी जो 658 है उसके पहले कौन सा नंबर आता है और उसके बाद में कौन सा नंबर आता है। 658 में से जब माइनस 1 करेंगे तो आएगा आफ्टर नंबर, 657 प्लस 1 करेंगे तब आएगा 659, है ना। ये आपको दोनों यहाँ पे लिखने हैं। फिर लिखा है विच इज द ग्रेटर द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो लिखा गया है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा
नंबर कौन सा है 99 और थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 100 जो मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था है ना। और जो थ्री डिजिट के बड़े नंबर है वो क्या है 999 और सबसे छोटा नंबर है 100। अब क्वेश्चन पूछा है द एबकस शोज रिप्रेजेंट अ नंबर आइडेंटिफाई द नंबर फ्रॉम द एबक्यूज यानी कि जो इसमें नंबर्स दिए गए हैं उसे पता कीजिए। तो क्या करना है आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है वो है 948। सजेस्ट अ वे टू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम एज मैनी बीट्स एज देयर आर इन द एबक्यूज सच दैट द नंबर फॉर्म्ड हैज ऑल द थ्री डिजिट सेम राइट द नंबर दस फॉर्म्ड। सेकेंड क्वेश्चन है अंशु वॉज गिवेन द डिजिट 4, 8, 7 and 4 एंड फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देन। इसमें कहा गया है कि अंशु को ये नंबर दिए गए थे उसमें से उसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। ही फॉर्म 8, 47 एज अ ग्रेटेस्ट नंबर। हिज आंसर इज राइट और रॉन्ग। इफ इट इज रॉन्ग टेल हिज मिस्टेक एंड करेक्ट इट। इसमें पूछा गया है कि अंशु को जो 874 नंबर दिए गए थे उसमें कहा गया था कि उसके सबसे बड़ा डिजिट बनाना है, पर अंशु ने क्या किया 847 लिख दिया। 847 ये गलत आंसर है क्योंकि इसका जो बड़ा वन डिजिट होगा जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 874 क्योंकि 8847 ये तो छोटा होगा 874 से। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा 874 है ना बच्चों। अब आपका ये सेकेंड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।